इस वक्त पहुंचे हैं रांची के प्रसिद्ध राम मंदिर में, जो रांची के सर्जना चौक पे स्थित है। और यहाँ देख सकते हैं आप मेरे पीछे श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ उमड़ी है। राम नाम की धूम है, झूम सको तो झूम। पूरा रांची रामोत्सव मना रहा है राम को लेके। देखिए सीधे हमारे साथ एक राम भक्त है, हनुमान जी का गदा लिए है साथ में। आइए जानते हैं इनसे गदा कितना महत्व है हनुमान जी का। 500 वर्षों के बाद राम जी आए हैं, हनुमान जी का गदा लेके चलते हैं। सब प्रभु का आशीर्वाद है, कृपा है कि 500 का संघर्ष आज पूर्ण हुआ है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुआ है और यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आइए देखते हैं और दिखाते हैं आपको श्रद्धालु कैसे यह जो राम उत्सव है, वर्णन नहीं कर सकता हूँ अपने मुखों से, यह वर्णन नहीं हो सकता है। जो खुशी आज हमको देखने को मिल रही है, न जाने हमारे बाप दादा परदादा बुजुर्ग जो थे इस आशा में थे कि कब राम लला हमारे अयोध्या में विराजेंगे, नए महल में उसके इंतजार में थे। उनके पुण्य प्रताप के कारण आज हम श्री राम जी को अपनी आंखों से इस अवध में विराजते हुए देख रहे हैं। मोदी जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी तरह और भी मंदिरों का उद्धार कर दे, ताकि सब मय भारतमय हो जाए, कृष्णमय हो जाए, शिवमय हो जाए। धन्यवाद मोदी जी का कि आज ये उत्सव मना रहे हैं, ये सारा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है। भगवान राम की मनमोहक मूर्ति, कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान भी विराजमान है। इतनी मनमोहक मूर्ति है, इतना मनमोहक दृश्य है भगवान श्री राम की। इतनी प्यारी प्रतिमा यहाँ पे है इस मंदिर में। आइए हम सीधे पुजारी से बात करते हैं, यहाँ के पुजारी हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। जी बाबा, राम मंदिर में भक्त कितने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस रामोत्सव में? हमको लगता है कि रामनवमी का जितना रिकॉर्ड था सारा ध्वस्त हो गया आज के दिन में। और रामलला आए, हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोग 10-10 पीढ़ी 15-15 पीढ़ी बीत गया, लेकिन हम लोग को ये भाग्य मिला कि हम लोग रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। भाई हम लोगों का सौभाग्य है, कितनी पीढ़ियाँ चली गई, 1,60,000 आदमी की निर्मम हत्या हुई है इस आंदोलन में। तो ये 492 वर्ष वाला संघर्ष कितनी दशक बीत गया, हम लोग को इससे उत्साह की और कोई बात नहीं हो सकती है, इससे बड़ा त्योहार और कुछ नहीं हो सकता। 500 वर्षों का ये बहुत बड़ा तपस्या आज अयोध्या में देखने को मिला है। राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में, जहाँ भगवान श्री राम खुद विराजमान है। कुछ श्रद्धालु से बात करते हैं, मैम ये बताइए आप। मैम ये बताओ, खुशी की बात है, कितने दिनों के बाद हम लोग 6 दिसंबर देखे थे, बाप तब ये हुआ था कि बस पूछिए, हम लोग पोस्टर में तो खाना खाने के तरस गए थे। आज लग रहा है क्या दिन लग रहा, सच में राम जी आ गए और क्या, बहुत खुशी के बात है। बोलो जय श्री राम। कुछ युवा श्रद्धालु भी है, युवा श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं, इधर युवा श्रद्धालु भी है हमारे साथ, वो राम भक्ति में कैसे पूरे लीन हो चुके हैं, पूरी रांची की जनता लीन हो चुकी है राम की भक्ति में। कुछ बाहर में युवा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पहले बात करते हैं इससे। हमें तो बहुत उत्साह है कि हमारे यहाँ इंडिया में राम जी का ये किया जा रहा है। हमें बहुत ज्यादा खुशी है और हम इसलिए यहाँ पर मिलने आए हैं, इसलिए आए हैं खुशी
इसको देश को, इस खुशी को, इस उत्साह को दिखाने आए हैं। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे हैं, बाहर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे राम लल्ला का जो उत्सव है, रामोत्सव है, रांची में किस तरीके से राम तरीके से मनाया जा रहा है, लोग हनुमान जी के गले को लेकर कैसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, शिव जी का डमरू भी नजर आ रहा है, काफी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु और है हमारे साथ, आइए हम बात करते हैं उनसे। रामोत्सव दीपोत्सव कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धूम से हम लोगों ने राम मंदिर का छोटे भक्त है, छोटे राम के भक्त है, उनसे भी हम जानते हैं कैसे दीपोत्सव मनाएंगे। जय श्री राम की गूंज के साथ आप किसी तरह हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अमित कुमार दर्शन।